नमस्कार। आज मेरा यह वीडियो बिहार चुनाव को लेकर है और खास तौर पर बिहार वालों के लिए है। उन्हें याद रखना चाहिए कि 15 सालों से यह डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार को धोखा दिया है, जहां पे बेरोजगार, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, जहां देखो खड्ढे हैं। जो भी पुलिया बन रहा है वो पुल भी पहले उद्घाटन के पहले बह जा रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो इनके पास पैसे नहीं थे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन इस वक्त इनका देखो हजारों करोड़ का बयान प्रचार पैन घूम रहा है दोस्तों। और ये हजारों करोड़ का बयान आखिर इनके पास अब पैसा कहाँ से आया? जब लोग परेशान थे गुजरात में, इनके ही भाजपा सहयोगी की सरकार थी है, प्रवासी मजदूर बिहारी भाइयों ये लोग डंडा मार रहे थे, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। ये 15 सालों में बिहार वालों के लिए क्या किया? पूरा बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार बना के इन्होंने प्रवासी मजदूर बना के गुजरात जैसे प्रदेशों में भेज भेज कर पैदल चलने पर मजबूर किया लॉकडाउन में, और डंडा मार खाने पर मजबूर किया, भूखा रहने के लिए मजबूर किया। और इनकी हरकत तो आपको नीतीश कुमार की मालूम है कि अगली बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़के बाद में इन्होंने गठबंधन को भी धोखा दिया, बिहार को भी धोखा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बना के फिर मजाक कर रहे थे और बिहारी लोगों को ये धोखा दिए, जो कि इनको मोदी जी ने इनके डीएनए पर सवाल किया था पलटू चाचा। और लेकिन पलटू चाचा फिर भी उनके साथ चले गए, क्योंकि डीएनए भाजपा जेडीयू का अभी चेक करना कर रहा है। बिहार वालों सुन लीजिए, जब शिक्षा रहेगी तो आपके पास पैसा होगा, जब काम रहेगा तो आपके पास पैसा रहेगा, नहीं तो ये भाजपा जेडीयू मिलके ये लोग पूरे बिहार को बेच डालेंगे। और उटकटवा से भी सावधान रहे, वहां बहुत उटकटवा पहुंच गए, धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर, सब पर। और उनको छोड़कर महागठबंधन को वोट देकर आप लोग भारी बहुमत से जिताएं।